नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संदीप आगाव। तर आज से हम आपको पोल्ट्री के बारे में पूरा कोर्स बताने वाले हैं। 45 दिन में जो काम होता है पोल्ट्री में, वो पूरा का पूरा बताने वाले हैं। मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम साइड से जो बारदाने वो पूरे पैक किए। ये साइड में मतलब बीच वाला बारदाना है और वो ताड़पत्री बोलते हैं। मेरा हिंदी थोड़ा डाउन है, ये समझ लेना। तो मतलब ये पूरा ताड़पत्री अंदर से लगाया है, एक बाहर से लगाया है। और ये देख सकते हैं आप, बीच में मुर्गियाँ है, अपने छोटे छोटे बच्चे। वो साइड में अंदर से एक बारदान लगाया है, उसके बाहर से एक पर्दा लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने बल्ब भी लगाए। बल्ब हर कप पे मतलब कॉलम में दो है। और अंदर मतलब अभी कैसा है कि बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडी भी नहीं रहती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती। इसकी वजह से हमने दो बल्ब लगाए, आप देख सकते हैं। और बर्ड्स भी देख सकते हैं, थोड़ा मतलब अच्छे से बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा। और पानी भी हमने मतलब जो पहले दिन का पानी होता है, हम वो क्या करते हैं कि गूल पानी देते हैं, या फिर अपनी जो ग्लूकोज डी होता है उसका पानी देते हैं। क्योंकि वो बर्ड्स डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के बाद उसको बाहर निकालने का काम ये पानी करता है, गूल पानी और ग्लूकोज डी करके है, वो निकालने का काम करता है। तो ये सब हमने दिया है। और अभी समझो ये भी बताते हैं कि हमने बर्ड्स के नीचे तूस डाला है, ये भात का तूस है, उस डाला है। उसके बाद हमने गोल सर्कल करके वो पेपर वगैरह डाले है, उसके ऊपर बर्ड्स हमने डाले। तो आप देख सकते हैं हमने फीड के भी भांडे रखे, क्योंकि क्या होता है कि उनको आदत पड़नी चाहिए कि फीड के भांडे पे खाने की और पेपर पे भी खाने की। अभी जब पेपर हम उठाएंगे कल परसों, तो क्या होता है कि पेपर उठाने के बाद वो जो अपना फीड का भांडा है, उसमें क्या होता है कि फीड खाने से मतलब ज़्यादा भांडे रखेंगे तो ज़्यादा फीड खाएंगा। और 7 दिन में बर्ड्स की अच्छी वेट आई, तो लास्ट में अच्छी वेट आती। इसके लिए हमने क्या किया है कि फीड के भांडे रखे, तो एकदम अच्छी तरह से नियोजन किया है। और उष्णता मेंटेन करने का जो होता है, मतलब अभी ठंडी और मतलब थोड़ा सा ठंडी और गर्मी है, इसकी वजह से हमने टेम्परेचर मेंटेन के लिए बल्ब लगाए। कोलसा हमने मतलब डाला नहीं है, उसको मतलब आग नहीं लगाई और वो बर्ड्स के अंदर नहीं रखा, क्योंकि वो इस बार कुछ ज़रूरत नहीं दिखी, इसके लिए नहीं लगाया, तो वो भी लगाना चाहिए। तो वो देख सकते हैं आप, पूरा हमने क्लीन किया है। तो ऐसा मतलब हम पूरा 45 डे में जो मेडिकल होता, मतलब मेडिसिन होता है, वो पूरा मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। और क्या क्या हर दिन देना पड़ता है मेडिसिन में, और देने के बाद और रिजल्ट कैसा आता है, ये सब बताएंगे। और कंपनी मतलब हमारा कंपनी बता देते हैं, आज पहला ही दिन है। तो हमारा सगुना कंपनी है, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने मतलब हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और वो डाल मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हम गए, उसके बाद वो बर्ड्स वगैरह सब देती है अपने को, उसका सुपरवाइज सब होता है। तो इस तरह से अपने को होता है। तो फार्म कैसा चाहिए ये अगले वीडियो में बताऊंगा। ये पहला वीडियो है पहले दिन का, तो पहले दिन में मैंने इतना बताया। और जानकारी देता हूँ थोड़ी।